लोग नमस्ते सत श्री अकाल कहते हैं आप लोग पलट लो। अभी शायद कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा इंडिया गेट देख करके हम कहाँ जा रहे हैं, और ये देखिए हमने सोचा था इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन हमारी सोच से भी ज़्यादा भीड़ हमें देखने को मिली। बहुत सारे लोग थे और हम संडे में गए थे तो और भी ज़्यादा लोग मिले थे, और अभी हमारा अच्छा वाला पचका हो जाएगा। देखिएगा आगे हम जा रहे हैं बड़ी शौक से, लेकिन हमारे पास टिकट ही नहीं है अंदर जाने के, और उसके बाद क्या होता है बने रहिए, देखिए आगे क्या होता है हमारे साथ। दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे हम कहाँ आए हैं। जी हाँ, हम अमृत उद्यान उत्सव 2023 में आए थे। अमृत उद्यान जिसे पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसे अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ हमारे पास टिकट नहीं थी। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप यहाँ जाकर भीड़ में लगकर कतार में लंबी कतार इतनी सारी भीड़ यहाँ जाकर आप टिकट लें, या आप ऑनलाइन भी अपना टिकट बुक कर सकते हैं www.rashtrapatisachivalay.gov.in पर जाकर। और दोनों ही तरीके से अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टिकट नहीं थी, और ये भीड़ देखकर मेरा तो सर चकरा गया कि मतलब हम इतनी दूर भी आए हैं, और अब हम इतना मुझे शौक भी था अरमान भी था कि मैं जाऊंगी, क्योंकि साल में एक बार ही अमृत उद्यान के लिए आप जा सकते हैं और उसके बाद फिर पूरे साल नहीं विजिट कर सकते हैं हम व्यक्ति वहाँ पर। तो आगे हमारी मदद की दो लोगों ने, और ये जो आपको दिख रहे हैं आगे जाते हुए ये दो लोग हमारी बहुत मदद करते हैं, तो आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अच्छा दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना, आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा कि आपको कुछ नहीं समझ आता कि अब आप क्या करें, और हम भी इतनी दूर आ गए थे इतनी गर्मी में और कुछ नहीं समझ आ रहा था कि हमारे पास टिकट भी नहीं है, और अब इतनी भीड़ में हम टिकट कैसे लें, और ऑनलाइन भी बुक नहीं हो रहा था वहाँ पर, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, वेबसाइट नहीं खुल रही थी राष्ट्रपति सचिवालय की। तो तब ऊपर वाला कोई ना कोई ज़रिया बना देता है आपकी मदद के लिए, किसी को भेज देता है, वैसे ही कुछ हमारे साथ हुआ, और हमें दो बहुत अच्छे इंसान मिले जिन्होंने हमारी बहुत मदद की, और उनकी वजह से ना कि सिर्फ हमने अमृत उद्यान देखा बल्कि राष्ट्रपति भवन भी देखा। हमारी मदद की है, थैंक यू सो मच। हाँ मैं एक्चुअली ब्लॉग शूट करती हूँ ना, लेकिन अभी तो आप हम इतना परेशान हो गए थे ना, हमारा टिकट का नहीं हुआ, ऑनलाइन भी नहीं हो रहा था, लेकिन आंटी को भी आपने हेल्प किया, मुझे लगा आप उनके बेटे हैं। देखो कभी कभी इतने अच्छे सारे लोग मिल जाते हैं लाइफ में, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। आपको आप पैसे भी नहीं ले रहे हैं? तो देखा आपने दोस्तों, ये दो बहुत प्यारे लोग थे, बहुत प्यारे इंसान थे, इनकी वजह से ना कि हम अमृत उद्यान देख पाएंगे बल्कि आगे आप देखेंगे हम राष्ट्रपति भवन भी देखने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनके पास राष्ट्रपति भवन के लिए भी पास था जो कि हमारे पास नहीं था, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा, तो मुझे अच्छा लगा कि इतने प्यारे लोग इतने अच्छे इंसान इस दुनिया में हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ ना, लोग ये दुनिया अच्छे लोगों की वजह से कायम है, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और ये क्यूट सा प्यारा सा बच्चा मुझे लगातार देखे जा रहा था, तो मुझे बहुत क्यूट सा लग रहा था। और ये मिराजुल इस्लाम भाई और आदिल, इन दोनों ने हमारी जो मदद की है ना, तो
वाकई में इस बात को सिद्ध करता है कि ये दुनिया अच्छे लोगों से कायम है। और यहाँ दोस्तों आप देखिए ज़रा कितनी भीड़ है, मैं बोलने की कोशिश भी कर रही थी ना, कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई उधर से धक्का मार रहा है, तो मतलब आप यहाँ अगर आप व्लॉग शूट करने जा रहे हैं तो बस समझिए कि बड़ा ही ख़तरनाक काम है कुछ। मतलब मैं खुद देख भी नहीं पा रही थी, मुझे ट्यूलिप देखने का बहुत शौक था और मैं अमृत उद्यान गई थी, मुझे ट्यूलिप देखना, गुलाब की इतनी सारी किस्में वहाँ पर लगी हैं वो सब देखना, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ब्लॉग भी शूट करूं और ये भी देख पाऊं। और यहाँ मुझे ये पेड़ों के पास जो ऐसे खाली बोटल्स करके डाल रहे थे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था देखकर। अच्छा दोस्तों मैं आपको बताती चलूं कि अमृत उद्यान जाने के लिए आरएमएल हॉस्पिटल से नॉर्थ एवेन्यू की साइड से गेट नंबर 35 एंट्री मिलती है, और चूंकि बहुत बड़ा है और आपको बहुत पैदल चलना पड़ता है, तो अगर आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग जा रहे हैं तो आप इस बात का ख्याल रख सकते हैं कि आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा और पानी या खाने का कुछ आप घर से लेकर जाएं। और दूसरा ये कि अमृत उद्यान 1 फरवरी या उसके आसपास की तारीख में ही खुलता है, क्योंकि इसी समय में इसी तारीख में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति भवन के लिए आए थे। यहाँ एक्चुअली इतने सारे लोग हैं ना कि मेरी आवाज़ ही नहीं आएगी, मैं बोल नहीं रही हूँ, सिर्फ यहाँ फ्लावर्स को शूट कर रही हूँ। लेकिन उस चक्कर में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आप खुद नहीं देख पाते हैं चीज़ों को सही से, अब वो मेरे साथ भी हो रहा है, तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी इन फ्लावर्स को देखूँ और जितना हो सकता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। लेकिन यहाँ बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत फ्लावर्स है। अच्छा दोस्तों एक तो फूल, हर तरह के खूबसूरत खूबसूरत कलरफुल फूल और ऊपर से इतनी हरियाली, ऐसा कॉम्बिनेशन दिल्ली में मतलब कमी से ही देखने को मिलता है, तो ये और भी ज़्यादा इस वजह से खूबसूरत लग रहा था कि इतने सारे कलरफुल फ्लावर्स और इतनी हरियाली, हर तरफ हरी हरी घास। और एक बात मैं आपको कहूँ दिल की, जब मैं अपने मुल्क के अंदर इतनी विविधता देखती हूँ, इतनी डाइवर्सिटी देखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। हर तबके के, हर कम्युनिटी के लोग सब कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ, तो सब एक दूसरे से पूछते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और एक्चुअली दिस इज़ माय इंडिया, यही मेरा मुल्क है। और यहाँ देखिए इतने सारे लोग होते हुए भी सब एक दूसरे का ख्याल करते हुए चल रहे थे, बहुत भीड़ थी, तो मैं यही देख रही थी कि ये है मेरा मुल्क, इतना डाइवर्स कंट्री। डिजिटल चार्ट बोर्ड लगा हुआ था जिसमें दर्शाया जा रहा था कि अब तक कितने लोग एग्जिट और एंट्री कर चुके हैं, तो 26,000 लोग वहाँ एग्जिट कर चुके थे और 29,000 लोग एंट्री कर चुके थे, और जो उस समय वहाँ पर उपस्थित थे, जो हम चल रहे थे वहाँ पर, तो वो 6,000 के करीब लोग वहाँ थे, तो इतनी मात्रा में वहाँ आ रहे थे। अगर हम ये सोचें कि यहाँ बातें करते करते हम व्लॉग बना लेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ बेतहाशा भीड़, बहुत गर्मी, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों के हाथ में, सभी के हाथ में मोबाइल है, तो कोशिश कर रही हूँ मैं बोलने की, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी हो गई है बहुत, तो इस वजह से जैसा रैंडम शूट हो पा रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की। Key attractions: Underground Museum on India's History, Virtual Walk with Mahatma Gandhi and Personalized India Post Stamps. So यहाँ बहुत कुछ था राष्ट्रपति भवन म्यूजियम में। हम राष्ट्रपति भवन म्यूजियम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ अच्छा खासी भीड़ है, सब तरफ भीड़ ही भीड़ है यहाँ पर। मुझे प्यास लगने लगी, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर हालत बुरी हो रही है।